पिछले मंडे को 21 जून 2023 को जो है सभी लाइन डिपार्टमेंट्स और डिप्टी कमिश्नर्स के साथ बैठक की थी, जिसमें कि मानसून से किस प्रकार से निपटना है उसके बारे में डिटेल में विस्तार में चर्चा हुई थी, जिसमें कि आईएमडी के लोग, सीडब्ल्यूसी के लोग और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस आदि इत्यादि सभी लोग उपस्थित थे। जैसे कि आपको मालूम है, लगभग 3 दिन से जो है मानसून हिमाचल में दस्तक दे चुकी है। अभी हमें जो रिपोर्ट आ रही है, बहुत जगह में हैवी रेन्स की सूचनाएं मिल रही हैं, बहुत सारे हमारे जो है जगह में फ्लैश फ्लड आ रहे हैं, कहीं पे रॉक फॉलिंग की भी घटनाएं हो रही हैं। अभी तक पिछले 3 दिनों में मानसून के ऑनसेट के बाद से 6 लोगों की जो है डेथ हुई है और लगभग 10 लोग जो है इंजर्ड हुए हैं। हमारे 303 जो है जानवर हैं उनका नुकसान हुआ है, और इसके साथ साथ जो शॉप्स हैं, कोशेड्स हैं, घर हैं, इनमें के भी डैमेज की सूचना है, क्योंकि ये रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लग रहा है। अभी तक लगभग पिछले 3 दिनों में 3 करोड़ के आसपास का लॉस का अनुमान है, और इसमें से अगर बात करें सड़कों की बात करें तो 124 टोटल हमारे रोड जो हैं कहीं ना कहीं पे जो है ये जो अवरुद्ध हुए हैं, जिसमें कि 2 नेशनल हाईवे हैं, साथ में 151 जो हमारे DTR जो हैं, जहाँ पे वो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो डिसरप्ट हुए हैं। इसके साथ साथ हमारी जो है लगभग 6 जो है वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो अफेक्ट हुई है, और एक फायर का इंसिडेंट भी हिमाचल प्रदेश में अभी तक हुआ है। जगह जगह में जो पर्यटकों के फंसे होने की सूचनाएं मिली थी, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, और ऐसे भी इंसिडेंट हमारे ध्यान में आए हैं कि जहाँ पे कि लोग जो है अपना खेत में काम करने गए थे, बल की बात कर लें, या कोई लोग जो नहाने गए थे, अचानक जो है नदी का जलस्तर बढ़ गया और उसके कारण लोग फंस गए, उनको भी जो है स्थानीय लोगों की मदद से और हमारे स्थानीय प्रशासन ने उनको रेस्क्यू किया है। यहाँ पर ट्रैफिक आप लोग खुद ही देख पा रहे हैं, हमें जो रीजन दिया गया कहते स्लाइड लैंडस्लाइड हुई है रात को 12 बजे, तो 12 से अब आप लगा लीजिए 10-11 तो अभी बच चुके हैं, लगभग 10 घंटे हो चुके हैं। प्रशासन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, उनको भी सोचना चाहिए कि सीजन है तो बहुत जल्दी इनको रिमूव करवा देना चाहिए जो भी यहाँ प्रॉब्लम हुई है। आप देखिए लगभग 6 से 7 किलोमीटर का यहाँ पे जाम लगा हुआ है, ना इधर जा सकते हैं ना कहीं पे जा सकते, बच्चे साथ हैं, ना खाने का है, कुछ भी नहीं है। यहाँ अराउंड 7 बजे आए थे यहाँ पर, मंडी के आगे करीब 3 किलोमीटर आगे फंसे थे कल रात से। हाँ कल रात से यहाँ पे हो आप? नहीं, अब रात में हमने होटल ले लिया था, मॉर्निंग में थोड़ा सा पता लगा कि ओपन हो गया है तो हम लोग निकल गए थे, लेकिन अभी तो फिर बट वो आके फिर जाम में ही फंसे हुए। अभी फिर क्या करने का रहता, पीछे जाएंगे? पता नहीं, बता रहे हैं 12-1 बजे तक खुलेगा, वेट करेंगे नहीं तो फिर वापस।